2024 लोकसभा चुनाव को लेकर देश भर में सियासी सरगर्मी को आप महसूस कर रहे होंगे। घोषणा पत्र हो, चुनावी रैली हो, रोड सभाओं का जो दौर है वो लगातार जारी है। प्रथम चरण चुनाव भी कुछ ही दिनों में होने वाले हैं। ऐसे में उन जगहों पर नामांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और पार्टियों ने अपनी प्रचार प्रसार में पूरी ताकत झोंक दी है। हम वाराणसी के अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डे पर मौजूद हैं, जहां जो ये बस है वो राजधानी लखनऊ के लिए जाने वाली है और हम उम्मीद करेंगे कि वोटरों का मिजाज जानेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि आने वाले समय में किसका राजतिलक होने जा रहा है। तो चलिए हम बस में सफर करते हैं और यात्रियों से जानने का प्रयास करते हैं कि वोटरों का मिजाज क्या है और आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के लिए उत्तर प्रदेश के वोटर क्या सोचते हैं। ये जो बस है ये राजधानी लखनऊ जाती है और वहां पर जाएगी और ये यात्रा जो पूरी होगी उन यात्राओं में चुनावी चर्चाओं का भी दौर निश्चित तौर पर यात्रियों द्वारा किया जाएगा। आप कहाँ जा रहे हैं भाई साहब? लखनऊ। लखनऊ जा रहे हैं, पढ़ाई करते हैं, क्या करते हैं? जॉब करते हैं। जॉब करते हैं। 5 साल सरकार का कामकाज देखा होगा, कैसा रहा? आप फोन पर बात कर रहे हैं, 2 मिनट हमें भी समय दे दीजिए। बोलिए। अच्छा, 5 साल सरकार का कामकाज देखा होगा, कैसा लगा आपको? सब कुछ ठीक है? बिल्कुल, विकास और तरक्की की तरफ है अपना देश। जैसे देख सकते हैं आप कि हर क्षेत्र में कार्य हो रहा है, चाहे वो आपके शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे आपके रोड के क्षेत्र में हो, चाहे वो महिला की सुरक्षा के क्षेत्र में हो। आज महिलाएं सेफ है, समय देख सकते हैं घड़ी में 9-10 बज रहे हैं, सब सेफ्टी से ट्रेवल कर रही है, इनको कोई चिंता नहीं है। चिंता है आप लोग को किसी चीज की? सरकार की सुरक्षा व्यवस्था अच्छा है तभी वो आज यहाँ पे आके बैठे, नहीं तो वो बैठते नहीं। तो आप फर्क देख सकते क्या फर्क है कल के समय में और आज के समय में। भाई एक उदाहरण में ही आपने बहुत कुछ बता दिया। सवाल यहाँ पर ही, आप किस जनपद से? कहाँ से? मैं सुल्तानपुर से बिलोंग। सुल्तानपुर से आते हैं। अच्छा, ये बातें कही जा रही हैं, आज भी कहा गया है योगी आदित्यनाथ द्वारा कि जीरो टॉलरेंस, मतलब सुरक्षा और कानून व्यवस्था से कोई समझौता नहीं होगा। हम राम नाम का भजन भी जानते हैं और राम नाम सत्य भी जानते हैं, इसका क्या मतलब है? देखिए, सबका अपना अपना विचारधारा है, उनके कहने का तात्पर्य क्या है उससे हम लोगों को कोई लेना देना नहीं है। पर जहाँ पे जीरो टॉलरेंस हर जगह होना चाहिए, अगर जीरो टॉलरेंस नहीं होगा देश कभी गति और प्रगति की ओर नहीं बढ़ पाएगा। अच्छा, रोजगार और महंगाई के मामले में आप क्या कहेंगे? देखिए, रोजगार जहाँ पे विकास होगा वहाँ रोजगार और महंगाई तो भागेगी, क्योंकि कोई भी डेवलपिंग कंट्री में अगर कुछ हो रहा है तो उसमें खर्चे और चीजें बढ़ेंगी, चाहे वो, तो इसलिए इसमें कोई दो राय नहीं है। समय भी बढ़ रहा है, लोगों की आमदनियाँ भी बढ़ रही हैं। पहले के लोग 7,000-8,000 रुपए महीने की सैलरी पाते थे, आज के लोग 50,000 से 60,000 की सैलरी उठाते हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में हो। बड़ी बात आप कह रहे हैं। ऐसे में जो जनता जनार्दन है वो तय करेगी कि 2024 लोकसभा चुनाव में जीत किसकी होगी। ये जो बस है लखनऊ जा रही है, महिलाओं से भी हम बात करेंगे। आपने चर्चा की महिला सुरक्षा की, तो बात करना जरूरी है। मैडम कहाँ जा रही हैं? जौनपुर। जौनपुर जा रही है, रहने वाली बनारस की हैं? नहीं, जौनपुर के हैं। जौनपुर यहाँ दर्शन पूजन करने के लिए आए? नहीं, मेरे समदिन खत्म हो गई थी, वहीं आए थे। अच्छा, ये बताइए, ये सवाल यही है कानून व्यवस्था को लेकर। इन्होंने कहा कि रात के तकरीबन 10 बज रहे हैं और आप लोग बिना किसी डर के आप लोग? सही बताएं लेके। सुरक्षा व्यवस्था पहले से पुख्ता है लेके? आपको क्या महसूस हो रहा है सुरक्षा व्यवस्था माले महिलाओं के लिए? एकदम पुख्ता है, सही है, व्यवस्था सही है पहले से। अच्छा, पहले डर का माहौल था क्या 2010-12 में? तब पर भी आप लोग घरों के बाहर तो निकलते थे तो मैंने इतना सुरक्षित नहीं था लेके, आदमी डर रहता था इतने जाने आने में मने कि अब तो कोई डर नहीं है, अब लोग आते हैं जाते भी हैं लेके, कोई टेंशन नहीं रहता लेके, अच्छा व्यवस्था, सब चीज सही है, सब कुछ सही है। निश्चित तौर पर जो वोटर हैं वो बताते हैं कि जो बदलती हुई तस्वीर है वो जनता के लिए या वो उनके लिए क्या मायने रखती है। आप कहाँ से आ रहे हैं? हमें आपसे बात करनी है, आप अपने किसी और के पास जाइए। अच्छा, इस समय आप बात करने के मूड में? मैडम आप कहाँ से? बनारस से। बनारस से हैं, कहाँ के लिए सफर कर रही हैं? जौनपुर के लिए। जौनपुर के। आप बनारस को बदलते हुए या देश को बदलते हुए देख रहे हैं या फिर और भी कुछ चुनौतियां रह गई और भी सरकार को प्रयास करना चाहिए था, क्या लगता है? नहीं, देख रहे हैं, बहुत अच्छा विकास हो रहा है, मोदी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं, योगी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं। अच्छा, सुरक्षा मामले में उन्होंने बताया कि आप काफी सेफ हो चुका है, खासतौर पर जो ये इन्होंने बात की। हाँ, सही बताया, काफी सेफ हो चुका है, हम भी अकेले आते जाते सफर करते, कोई डर नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, सरकार, ये तो सुरक्षा व्यवस्था बात हो गई, महंगाई रोजगार का विषय विपक्ष ने कहा है कि काफी महंगाई बढ़ गई, रोजगार के मामले में सरकार रोजगार नहीं दे रही, आपको क्या लगता है? आप लोग तो गृहस्थी चलाती हैं? हाँ, गृहस्थी चलाते हैं, महंगाई तो है लेकिन क्या करे, करना तो पड़ेगा, उसी में एडजस्ट, उतार चढ़ाव तो लगा रहता है हर चीजों में, तो चल रहा है।
तो लखनऊ सफर करने निकल चुके हैं यात्री, लेकिन देखना ये होगा कि 2024 लोकसभा चुनाव में जनता जनार्दन का आशीर्वाद किसे मिलता है। वैसे कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। चाचा भी यहाँ पर हैं। चाचा आप कहाँ? लखनऊ? जौनपुर। अच्छा, जौनपुर के लिए निकल रहे हैं। सब कुछ ठीक ठाक है? सब ठीक है। अच्छा, कानून व्यवस्था को कैसे देख रहे हैं? सब ठीक है। महंगाई बढ़ी है कि नहीं? महंगाई तो कोई सरकार आएगी बढ़ती रहेगी, कोई कंट्रोल किसी का नहीं था, कभी नहीं था किसी को। लेकिन मुद्दा रहा है, विपक्ष कहा है कि जब से ये आए कहे थे कि नहीं हम ये कर देंगे, 15 लाख खाते में दे देंगे, विपक्ष का ये कहना। इसके अलावा इन्होंने सिलेंडर लेकर ये सड़कों पर थे, लेकिन वो बेकाबू हो गया। वो तो जैसा रहेगा इलेक्शन में सामने आएगा। इलेक्शन में सामने वर्तमान स्थिति पर आपको नजर होगी, जो कुछ भी गाजीपुर में हुआ, गाजीपुर की स्थितियों में मुख्तार अंसारी की मौत हुई, एक पक्ष ने उनको मसीहा बताया और एक पक्ष ने उनको माफिया बताया। बिल्कुल, जो जिसके पक्ष का रहेगा उसकी बात करेगा, जिस पक्ष में रहेगा उसकी बात करेगा। ये बात सही जी। अच्छा, आप सरकार के कामकाज को सही देखते हैं? बिल्कुल सही है। अच्छा, इनकी योजनाओं का लाभ आपको मिला? हम लोग के लिए कोई योजना नहीं मिली। कोई योजना नहीं? नहीं, कोई भी योजना का लाभ नहीं? योजना का लाभ नहीं मिला। क्या लगता है किस पर भरोसा करना चाहिए? जो अनसाइडेड काम होता है, काम अनसाइडेड हो रहा है तो क्या भरोसा करेगा? जैसे जी रहे आदमी जिएगा। आप कहाँ से हैं भाई साहब? भैया हम जौनपुर से हैं। जौनपुर से हैं तो सरकार के कामकाज को कैसे देख रहे हैं? ठीक ठाक? बहुत 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 बढ़िया हुआ है भैया, बहुत बढ़िया हुआ है। चलिए, तो और लोगों से हम बातचीत लगातार करते रहेंगे। और ये बस भी निकल चुकी है लखनऊ के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।